दो क्वेश्चन है, सबसे पहला ये कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, दूसरा ये क्वेश्चन है कि भैया जो चीज पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते आते हैं भूलते आते हैं, सब जब भूला ही जाएंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्या चीज ऑप्शन ठीक करेंगे। पांच चीजें यहाँ पे याद रखी जा सकती है बिना फालतू के मोटिवेशन के, शुद्ध सात्विक बकलोली के साथ। सबसे पहली बात यह है कि भैया जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, पढ़ते टाइम जो है क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है, 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो 8 घंटे सिर्फ पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ते टाइम बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहने चाहिए, जैसे कि अगर आपने मान लिया 1 घंटा पढ़ा तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2-3 घंटे पढ़ा फिर जो है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, अपने हिसाब से अपने माइंड को जो है रिफ्रेश करते जाइए। कुछ जो है वॉक कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, कुछ और आप कोई एक्टिविटी करते हैं किसी तरह की, इंजीनियरिंग एक्टिविटी करते हैं वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि फ्रेश रहने का, खुश रहने का, माइंड को री इनर्जाइज करते रहने का। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब वही चीज है जैसे आप अपने प्यार मोहब्बत में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिंदगी में कोई मूवी देखी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसके डायलॉग जिंदगी भर याद रह जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका के साथ जो बिताए हुए पल याद रह जाते हैं, पहली बार उसने कौन सी चॉकलेट दी थी ये भी याद रह जाती है, पहली बार वो कौन से कलर का सूट पहन के आई थी, कौन से कलर का जीन्स पहन के आया था, वो सब याद रह जाता है। ये तक याद रह जाता है कि पहली बार वो मिलने आया था तो तुमने हमारी फ्रेंड से कुछ बातचीत करी थी। ये सारी चीजों में जैसा इंटरेस्ट है ऐसा ही इंटरेस्ट पढ़ाई में होना चाहिए, कि मतलब आप उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, उसको थिंक और एनालाइज करिए, जो भी पढ़ते जाइए उससे रिलेटेड क्विज सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप किसी ना किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहिए, क्विज करिए, थिंक एनालाइज करिए, आंख बंद करके अपने आप से बातें करना चालू करिए, अपने आप को बताना चालू करिए। बीच बीच में रिविजन करते रहना बहुत जरूरी है, नोट्स अपने खुद के बनाए जाने चाहिए, नोट्स बिल्कुल वही सारी चीजें होती है जो आप या तो बार बार भूल जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टाइप की होती चीजें, और वो ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने आप में लिखिए। अब मान लीजिए आपने 10-15 बुक पढ़ी तो नोट्स जो है ज्यादा से ज्यादा 50 पेज 100 पेज एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी के होने चाहिए, जितने कम से कम नोट्स रहेंगे उतना ज्यादा बढ़िया, ज्यादा चीजों को समझने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है तो आप उसको खुद से बोल बोल के जो है उसको पढ़िए, उसको अपने आप को सुनाइए, कोई और सुनना है सुनने दो, कोई कुछ कहता है कहने दो, उसको तेज बोल बोल के अपने आप को सुनाओ, प्लस उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। जितना ज्यादा लिख के आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है सारी चीजें आप लिखिए, उसमें बोल बोल के पढ़िए, और फिर कोई भी चीज मान लीजिए आपने 5-10 पन्ने पढ़ लिए, 2-4 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद आंख बंद करके थोड़ी देर अपने आप से जरूर बात करिए कि अच्छा आज हमने ये चीजें करी, और उसी में कुछ जो है थिंक और एनालिसिस करो, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए वो सब चीजें कर सकते हैं, कुछ और उससे रिलेटेड क्विज मिल जाए, कहीं कोई क्वेश्चन आंसर मिल जाए, खुद के क्वेश्चन आंसर बना के खुद उनका आंसर दो। ये सारी अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा अगर ये वाली चीजें करेंगे आप।